नमस्कार, मैं नितिशा नागर। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल पीएन वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की इस ताजा खबर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन नाहर और आप देख रहे हैं पीएन वॉइस। विगत दिनों में सोयाबीन चोरी को एक सप्ताह भी नहीं हुआ था और एक बार सुतरेटी रोड पर सलियों की चोरी हो गई है। हमारे साथ में मौजूद है उस फर्म के प्रोपाइटर राजेंद्र भाई और उनके साथी सहयोगी। आइए जानते हैं उनसे कि वो किस तरह से चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया। राजू भाई नमस्कार। नमस्ते राजू भाई, बताएं कि किस तरह से चोरी हुई है। ये रात को करीब 2:30 बजे फुटेटी कैमरे में बता रहे हैं कि अज्ञात लोगों ने चोरी करी। उसमें थोड़ा सा आ रहा, बाकी कैमरे भी निकाल गए, DVR भी निकाल गए रात को, और कम से कम 20 से 25 भारी के अंदाज में सलिया था, बाहर पड़ा था, ताला आला लगा हुआ था, गेट का ताला तोला, अंदर से चाबी उन्होंने पड़ी थी, वहाँ चाबी शटर खोल के DVR निकाला और फिर ले गए। क्या आपको घटना के बारे में क्या लग रहा है, किस तरह के चोर लग रहे हैं ये? सुबह में मेरे पास कॉल आया कि आके आप अपना CCTV जरा चेक करो, इधर से माल वगैरह तो नहीं ना, इधर से लेके तो नहीं ना गए हैं। तो पहले हमने अपनी CCTV देखी जो पीछे में है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं फुटेज नज़र आया। फिर बगल में जो योगेश जी है वहाँ से CCTV से पता चला कि ये आसपास में जो काम करने वाले लड़के हैं, अपने इधर के करने वाले लड़के या कोई जो बहुत अच्छे से सब कुछ जानता हो, ये उसी के द्वारा किया गया हुआ कार्य है। क्योंकि बाकायदे उधर अंदर कोने में जाके वहाँ जहाँ पे किसी का नज़र ना जाए वहाँ पे DVR है, वहाँ से DVR को लेके जाना, प्रॉपर 10 की भारी लेके जाना, ये सारी चीज़ें इस घटनाओं से तो यही लग रहा है जो बहुत अच्छे से जानता हो, जिसका डेली आना जाना हो, चाबी कहाँ रखी रहती है, चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, ये उसके द्वारा की गई कार्य है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से रेकी करके उस चोरी को अंजाम दिया गया है। चोर न केवल यहाँ से DVR ले गए हैं, CCTV के पहले उन्होंने सारे कनेक्शन काटे, उसके बाद जहाँ पर ये चाबी रखते थे वहाँ से चाबी उठाई और बिल्कुल इत्मीनान से उस चोरी को अंजाम दिया है। थानला में पुलिस ने बताया है कि वो 5 पॉइंट लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की जो प्रयास हैं वो अभी नाकाफ़ी है। आगे देखते हैं पुलिस किस प्रकार से इसमें सफलता हासिल करती है। भाई नगर में चोरियां हो रही है, नगर में एक वारदात नहीं है, दो दो तीन तीन वारदात ऐसी हो चुकी है। तो हमारे बिल्डिंग मटेरियल में आजकल सजे हम थाना प्रभारी को एक आवेदन देना है। चोरी हो गया है रात को 2:30-3 बजे के आसपास। राजू भाई राठौर सुपरेटी जो ताप्ती पानी आरो प्लांट डाला हुआ उसके 5 मिनट के बाहर सरिये रखे हुए थे, कुछ बदमाशों ने उनके सरिये उठा लिए, चोरी कर लिए हैं। तो जिसके लिए आप आवेदन देने आए हैं, बोलने आए, बताने आए हैं उनको। शिकायत मिली थी हम लोगों को, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसके द्वारा चोरी की गई है, और उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं उन लोगों से भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि पता करेंगे। जवान लगते हैं हमारे, 4-5 पॉइंट लगते हैं पूरे कस्बे में, और हमारी थाना मोबाइल भी लगातार भ्रमण करती है और 100 भी लगातार भ्रमण कर रही है कस्बे में, और जो भी संदिग्ध लोग मिलते हैं रात में तो उनसे बराबर पूछताछ भी करते हैं और उनका ID प्रूफ भी लेते हैं कि आप कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं और कहां गए थे, ये सारी चीज़ हम लोग कर रहे हैं। जनता से मैं ये अपेक्षा चाह रही हूं कि वह दुकानों में अच्छी क्वालिटी के CCTV कैमरे लगाए और अपना एक गार्ड भी लगा के रखे, ताकि हम लोगों को काफ़ी सहयोग हो जाए, इससे भी चोरियाँ की वारदात रुक सकती है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर बेल बजाइए व ताज़ा व आपसे जुड़ी जानकारी पाइए। खबर पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी आपकी ही आसपास की खास घटना व मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।